बुद्धि के कारक आप लोग जानते हैं कौन है? शिव श्री पुत्र गणपति जी महाराज, देवों के देव महादेव जी के पुत्र विद्या, जिन्होंने सभी ग्रंथ लिखे और जो आज भी हम लोग पढ़ रहे हैं, उन सब की रचना गणेश भगवान ने की। अगर आपके घर में कोई बालक पढ़ाई लिखाई में बहुत कमजोर है और उसका मन नहीं लगता, बुधवार के दिन हरा चारा गाय को समर्पित करें, गाय को खिलाएं, इससे आपका बच्चा बुद्धिमान होगा, क्योंकि गाय के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। जितना भी भगवान को हम भोग लगाते हैं वह गाय से ही मिलता है, और जहाँ पर गाय प्रसन्न हो जाए वहाँ पर शिव श्री पुत्र गणपति जी महाराज दौड़े हुए आते हैं, और जहाँ पर गणपति जी महाराज विराजमान होते हैं वहाँ पर स्वर की देवी सरस्वती स्वयं विराजमान होती है, और जिस घर पे माता सरस्वती और भगवान गणेश का वास हो उस घर में धन की कभी कमी होती ही नहीं है, क्योंकि रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ माता लक्ष्मी और धन कुबेर यह स्वयं दौड़े हुए आते हैं। ज्ञान कई प्रकार से है, जो स्कूल में प्राप्त करते हैं, घर में प्राप्त करते हैं, और जो हमें गुरुजन देते हैं, सभी ज्ञान है। और बुद्धि का विकास करना चाहते हैं तो बुधवार के दिन यह छोटा सा उपाय करके देखें, आपके जीवन में चार चांद लग जाएंगे।